इधर के साइड जो है देख सकते हैं ये चौड़ीकरण। ये देखिए ये भी मस्जिद है एक जो है इधर तक यहाँ तक थी इस पॉइंट तक जो कि ये टूटी है, अब ठीक एकदम राम मंदिर के पीछे आ चुके हैं, गर्भगृह के पीछे। ये देखिए वहाँ पे राम मंदिर नजर आ रहा है उसका सीकर। देखिए जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो कल आपने देखा था 14 कोसी के परिक्रमा मार्ग का हमने आपको निर्माण कार्य दिखाया था गुप्तार घाट की ओर से और इस लोकेशन तक, और हमने आज की डेट में बोला था आपको कि दिखाने के लिए कि आप इसके आगे मेन चलेंगे अयोध्या के पीछे पीछे जहाँ पे पच कोसी परिक्रमा मार्ग आगे 14 कोसी से मिलता है, इस पॉइंट से चलेंगे आपको निर्माण कार्य दिखाएँ कितना निर्माण कार्य हो चुका है अभी इस परिक्रमा मार्ग को लेकर। दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से अगर वो चीज़ें क्या चीज़ अभी कैसे है। ये देखिए दोस्तों ये है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, इधर से आया हुआ है इस पॉइंट पर आके यहाँ पे पचकोसी परिक्रमा मार्ग मतलब उदया पब्लिक स्कूल की ओर से आता है आके यहाँ पे मिलता है 14 कोसी पे, और यहाँ पे निर्माण कार्य भी आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरा कह सकते हैं मेन अयोध्या स्टार्ट हो जाती है, चेक पॉइंट वगैरह सब कुछ है, और पीछे पीछे अभी आपको दिखाएंगे कितना निर्माण कार्य कैसे क्या हुआ है, और वहाँ पे दूर वो राम मंदिर है। इस वाले रास्ते से एकदम राम मंदिर जो है पीछे एकदम साफ साफ पड़ता है। देखिए जो है रोड के भी निर्माण कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे किया जा रहा है इस साइड की ओर बढ़ा के लेफ्ट साइड की ओर। चलिए चलते हैं आपको इसके आगे की अपडेट देते हैं, और अभिषेक भाई मेरे साथ है। चल इधर से जो है कि उदया चौराहे से आया हुआ है और हम इधर के साइड चलते हैं, यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है पचकोसी 14 कोसी भी हमारा। एक चीज़ अच्छा है कि इधर के साइड बढ़ाया गया है जिससे कि जो है इधर के साइड जिसके घर वगैरह हैं वो एकदम सेफली बचे हुए हैं। पचकोसी पे जो है काम तेज किया जा रहा है ऐसा मतलब देखने में लग रहा है, गिट्टी मोरंग वगैरह ये सारी चीज़ें आके इसे यहाँ पे हैं। राम मंदिर तो एकदम अच्छे से दिख रहा है, यही रुको अब से एक मिनट तो बस ये देखिए थोड़ा सा आपको राम मंदिर यहाँ से दिखाते हैं फिर अभी आगे तो दिखाएंगे। देखिए यहाँ से एकदम बढ़िया दिख रहा है, खुले आंखों से तो एकदम अच्छा दिख रहा है बट कैमरे में। चलो ट्रक वाले से आगे निकाल लेना हॉर्न देके ना। देखिए इतनी चौड़ी पुलिया ये बनी हुई है इस पॉइंट पे, निकालो। देखिए वहां पे वो दूर वॉल दिख रही है साइड की ओर, पेड़ मुझे लग रहा है बीचों बीच में अगर आ जाएगा तो डिवाइडर में तो काफी अच्छी बात है, पेड़ एकदम सेफली बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जितने भी मतलब वो है जैसे पुलिया छोटी मोटी उसके ऊपर वो बना दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है देखने में और मौसम तो एक नंबर का हुआ है। अब इधर से होते हुए ऐसे घूमेगा जिधर जिधर हम चल रहे हैं, पचकोसी 14 कोसी परिक्रमा दोनों ही है। यहाँ से देखिएगा ये घूमा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, वो उस पॉइंट से ऐसे आके ऐसे घूम के फिर ऐसे अब जा रहा है। इस साइड की ओर भी देख सकते हैं आप, अब यहाँ से ये पूरी आबादी स्टार्ट है। इधर के साइड जो है देख सकते हैं ये चौड़ीकरण। जो है इधर सब भी अभी डक्ट बनना बाकी है, नहीं देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है वर्क, इधर सब आप डक्ट का वर्क देख सकते हैं इधर के साइड में।
एकदम जो है ठीक राम मंदिर के पीछे वहाँ पे वो राम मंदिर है उस पॉइंट पे। देखिए इधर से जो है डक्ट बनते हुए जाएगा, पेड़ कैसे कटा हुआ यार। बड़ा यार बड़ा एकदम कीचड़ कीचड़ हो चुका है। देखिए राम मंदिर की क्रेन्स भी देख सकते हैं, एकदम ठीक एकदम पास में आ चुके हैं हम। दोनों ही साइड जो है डक्ट इधर बने हुए हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया है चैम्बर्स, जो कि वहां पे रहेगा चैम्बर्स का ढक्कन। इधर देख सकते हैं ये ठीक एकदम राम मंदिर के पीछे आ चुके हैं, गर्भगृह के पीछे। ये देखिए वहां पे राम मंदिर नजर आ रहा है उसका सिखर। देखिए और ये है टेंट सिटी अयोध्या, डिफेंडर खड़ी है यार। ये देखिए इतना स्पेस इधर छूटा हुआ है राम मंदिर ठीक उस सामने। ये देखिए ये भी मस्जिद है एक जो है इधर तक यहाँ तक थी इस पॉइंट तक, जो कि ये टूटी है। यहाँ गुरुद्वारा है ये। काफी काम मतलब हो चुका है, अब तो बरसात आया है थोड़ा बहुत तो डिले रहेगा ही। यहाँ पे ये CARPF रहती है 63 बटालियन। ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उधर वो सरयू नदी दूर उस पॉइंट पे, उधर काफी दूर दूर तक नजर आ रहा है उधर। अब इधर से निकलते हैं, अब ये पूरा सरयू घाट तक झुनकी घाट तक जो है देखते हैं किस प्रकार से चौड़ीकरण वगैरह हुआ है। राइट साइड की ओर अभी डक्ट नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड की ओर दिख रहा है। ये एक पार्क है, राजघाट इधर के साइड है, झुनकी घाट आगे है, जो कि लक्ष्मण पथ जो कि उधर पे और बनेगा यहाँ से मात्र थोड़ी दूरी पे है। अब देखिए ये सब जो है ये सब दिख रहा है, सब टूटेगा इधर के साइड भी, ये सब टूट चुका है पर एकदम फिनिश नहीं हुआ अभी। इधर सब डक्ट अभी नहीं बना हुआ है। अब इधर से ये देखिए ऐसे घूमा हुआ है, ये 5 कोसी 14 कोसी भी घूमा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर के साइड बढ़ता है
कि राइट साइड की ओर बढ़ता है। जिधर जिधर हम चल रहे हैं ये पचकोसी पे गांव मार गई है और चौदह कोसी भी। अब चढ़ते हैं हम इसके ऊपर, ये घाट पे आ गए हैं, झुनकी घाट। इधर ही चढ़ाओ पहले गियर में करके। बस रुक गई जी। हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे घाट पे, झुनकी घाट के पास से। आपने देखा किस प्रकार से जो है इधर की साइड पचकोसी और चौदह कोसी पे गांव मार के निर्माण कार्य किए गए हैं। और इधर घाटों को भी देख सकते हैं कि इतने अच्छे से निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से पत्थर वगैरह लगा के दोहे वगैरह लिखे हुए हैं, ऐसे कई सारे जो है पूरे घाट पे बने मतलब लगाए जा रहे हैं। और इस पॉइंट पे तो हमने आपको दिखाया क्या चीज़ बन रहा है, जैसा वहाँ पे बना हुआ है सेम ऐसा ही बनेगा उस तरीके से इस पॉइंट पे बनेगा, मतलब कई सारे, ताकि सरयू नदी जब अच्छे से हो जाएगी तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और घाटों का निर्माण कार्य भी काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। तो ऐसा था कुछ ये पचकोसी और चौदह कोसी पे गांव मार के बारे में, निर्माण कार्य कितना हुआ है मेन एकदम अयोध्या के ठीक राम मंदिर के पीछे कितना हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। ध्यान रखिएगा अपना।